हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम रील्स के लिए इस तरह की फ़ोटो पर शायरी लिखकर स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है कानमास्टर। तो आपको कानमास्टर ऐप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको लिंक पर क्लिक करके कानमास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कानमास्टर ऐप को ओपन करना है। कैनमास्टर ऐप ओपन करते ही गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहां से आपको नारेसू 60 की साइज को सिलेक्ट करना है। आपको लेफ्ट साइड में एक सेटिंग वाला आइकन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, इसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस, आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपको यहां से उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है, जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहां से हम इसमें एक वॉलपेपर को इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने इस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसकी लेंथ को थोड़ा सा लंबा कर देना है। इसको आपको खींच कर थोड़ा सा लंबा कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन करना है। फर्स्ट पोजिशन पर आ जाना है। लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको इस समय एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। गाइस, इस वीडियो की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से गाइस, आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींच कर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से गाइस, आपको नीचे चले जाना है। नीचे का ऑप्शन मिल रहा है क्रोमा की, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है की कलर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस, आपको ग्रीन कलर को इसमें सेलेक्ट करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन स्क्रीन वीडियो कुछ इस तरह से लग जाएगी। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस, आपको वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसको खींच कर ग्रीन स्क्रीन वीडियो की लेयर के बराबर कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। फर्स्ट पोजिशन पर आ जाना है। गाइस, आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको इसमें एक पार्टिकल इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको पार्टिकल इफेक्ट वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींच कर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से गाइस, आपको नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको इसमें एक और इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींच कर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से गाइस, आपको नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। अब गाइस, आपको लास्ट बार लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस, आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको बॉक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। आपको बॉर्डर लाइन की लेयर को खींचकर वीडियो की लेयर के बराबर कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चला कर देखेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। तो गाइस, आपको इस वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों, आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर या किसी वॉलपेपर को लगाकर इंस्टाग्राम रील्स के लिए इस तरह की न्यू ट्रेंडिंग सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।